केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, लेकिन मंडी जिला में इसे सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। ताजा घटनाक्रम, नेशनल हाईवे 21 पर मंडी और कुल्लू जिलों की सीमा पर बसे औट बाजार का है। यहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 लेन निर्माण के नाम पर दुकानों और मकानों पर कब्जा कर लिया है और फिर उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकतर प्रभावित ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मुआवजा तक नहीं मिला है और उसके आशियानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि कानून के तहत प्रावधान है कि विस्थापितों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन करने के बाद ही उनके आशियानों को तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन मंडी जिला में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 4 लेन के कारण अपना रोजगार और छत गंवा चुके प्रभावितों ने इसे प्रजातंत्र में काला दिवस बताते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। विस्थापितों का कहना है कि जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता है तब तक वे भूख हड़ताल जारी रहेंगे। हालांकि इस दौरान SDM सदर पूजा चौहान भी मौके पर पहुंची और प्रभावितों की समस्याओं को जिला उपायुक्त के समक्ष रखने का भरोसा दिया। 4 लेन प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विस्थापितों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेशों की सरेआम अवहेलना हो रही है और किसी प्रकार का पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में उग्र आंदोलन की राह इख्तियार की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार और उनके आदेशों को मानते हुए आउट के जो 32 दुकानदार थे उन्होंने 22 तारीख को अपनी दुकानें खाली कर दी हैं, उनके कब्जे दे दिए गए हैं। माननीय हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये जो लोग हैं इनको पुनर्वासन पुनर्स्थापना के अधिकार हैं और वो दिए जाएं, लेकिन पिछले 2 साल से शासन प्रशासन द्वारा, हिमाचल की सरकार के द्वारा, नियम होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद, कई मीटिंग होने के बावजूद अभी लोगों को लाभ देने की बात तो दूर है लेकिन उनको चिन्हित भी नहीं किया गया। इसलिए आज हमने ये मीटिंग आउट में रखी थी। हम इसे प्रजातंत्र का काला दिवस कहते हैं क्योंकि जहां प्रजातंत्र में एक कानून है लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जमीन में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही है पिछले 3 साल से। इसलिए अभी जो हमने जो अपनी भावनाएं थी, अपना जो दुख था, यहां की SDM साहिबा उनको रखी हैं, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि इस बात को डिप्टी कमिश्नर के सामने रखेंगी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज जो किसान है, बागवान है, दुकानदार है, जो इस देश का भाग्य बिताता है वो सड़कों पर है और उसके हित में जो कानून बनाए गए हैं उनकी भी अवहेलना हो रही है। और इसलिए हमने तय किया है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है आउट को और जो दूसरे लोग जितने भी हमारे जो गांव हैं जो उजड़ रहे हैं उनको दोबारा बसाया नहीं जाता तब तक जो है ये भूख हड़ताल जारी रहेगी।